है एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल और लास्ट वीडियो में मैं मैंने सिल्विया प्लाथ की एक पोइट्री करी थी जिसका नाम था द एप्लिकेंट और इसकी आपने सिल्विया प्लाथ की आपने डैडी भी पढ़ रखी होगी जो कि इनकी बहुत फेमस पोइट्री थी तो आज हम सिल्विया प्लाथ की एक दूसरी पोइट्री को कवर करेंगे जिसका नाम है द म्यूनिक मैनिकियन अब सबसे पहले बात तो कि मेनिकन्स क्या होते हैं तो जैसे कि आपने आप किसी शॉप पे जाते हो जैसे कि आप किसी शोरूम पर गए तो आप वहाँ पर देखते हैं कि कुछ स्टैचूज रखे होते हैं तो वो जो स्टैचू होते हैं उनकी जो फिगर होती है आपने नोटिस करी होगी बिल्कुल परफेक्ट होती है अगर आप विमेन की स्टैचू की बात कर रहे हैं एक लेडी स्टैचू की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनाई जाती है उसकी ताकि लोगों को देख के अट्रैक्ट हो सके उन्हें पता लग सके कि एक परफेक्ट आइडियल जो शेप है वो क्या होती है तो उसी चीज़ को सिल्विया प्लाथ ने अपनी इस पोइट्री में भी दिखाया है और अगर मैं सिल्विया प्लाथ की बात करूँ तो वॉज एन अमेरिकन राइटर पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एज वेल और इन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को फेस किया है अपनी लाइफ में और हम बोलते हैं या फिर आ, ऐसा माना जाता है कंसीडर किया जाता है कि सिल्विया प्लाथ जो है उन्होंने ही कन्फेशनल पोइट्री की स्टार्टिंग करी थी अब बात आती है कि कन्फेशनल पोइट्री क्या होती है तो आप कुछ चीज़ कन्फेस कर रहे हैं जैसे कि आप चर्च में जाके कुछ कन्फेस करते हैं जो क्रिश्चियन हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कन्फेस करते हैं कुछ वो किस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं वो अपनी किसी गिल्ट को कन्फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के कोई कुछ इंसिडेंट्स हैं उन्हें कन्फेस कर रहे हैं तो उसी तरीके से जो सिल्विया प्राथ है वो अपनी लाइफ की चीज़ों को कन्फेस करती हैं कन्फेशनल पोइट्री है उनकी पोइट्री में उनकी लाइफ जो उनके ऊपर हुआ है उन्होंने जो सफ़र किया है या फिर जो उनके आसपास की सराउंडिंग थी वो उन सब चीज़ों को कन्फेस करती हैं अपनी पोइट्रीज़ में और जो सिर्वे प्राप्त है, उन्होंने दो बार सुइसाइड कमिट करने की कोशिश करी थी कमिट किया था और लास्ट में जब उन्होंने थर्ड टाइम अटैम्प्ट किया सुइसाइड को तो उनकी उस टाइम पे डेथ हो गई थी जो कि 1963 में हुई थी और उस उनकी डेथ से पहले के जो फाइव मंथ्स थे उन फाइव मंथ्स में जो सिल्विया प्लाथ की पोइट्री हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं उन्होंने जितनी भी पोइट्रीज लिखी हैं मैक्सिमम जितनी भी फेमस पोइट्रीज हैं वो उनकी आ, एरियल में पब्लिश हुई हैं एरियल उनकी पोइट्री का कलेक्शन था जो कि नाइनटीन में पब्लिश हुआ था उनकी डेथ के दो साल बाद पब्लिश हुआ था और बोला जाता है कि उनकी जितनी भी फेमस पोइट्रीज है जितनी भी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं या फिर जितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं वो सारी पोइट्री उन्होंने उन्हीं कुछ पाँच मंथ के टाइम पीरियड में लिखा था जब उन्होंने सुसाइड करी थी उससे जस्ट पहले के फाइव मंथ्स में अब बात आती है कि इनकी इस पोइट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो इनकी जैसे पोइट्री का टाइटल क्या है द म्यूनिक मनीकियर अम्यूनिक क्या है म्यूनिक एक जगह का नाम है जहाँ पर प्लाथ रह रही थी उस टाइम पर और ये बता रही हैं क्रिटिसाइज करेंगी और सटैर करेंगी उन लोगों के ऊपर लोगों के ऊपर नहीं बोल सकते हैं उस टाइम पे जो मीडिया थी या फिर जिस तरीके से जो सेलिब्रिटीज़ को दिखाया जाता था उनकी फ़िगर को दिखाया जाता था उस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये जो पोइट्री है वो कंपोज करी गई थी तब जब जो सिल्विया प्लाथ है वो लंदन में रह रही थी और बोला गया था कि वो जो लंदन जिस टाइम पे वो रह रही थी वो जो सीज़न था कोल्ड विंटर का जो सीज़न था वो जितने भी रिकॉर्ड्स करे गए हैं अब तक के इं, इंग्लैंड में या फिर लंदन में उन सभी में से सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट विंटर को रिकॉर्ड किया गया था उस टाइम को जिस टाइम पे वो वहाँ पर थी और जिस टाइम पे इस पोइट्री को लिखा गया था और जो सेटिंग है पोइट्री की वो भी उसी सिटी में रखी गई है उसी विंटर सिटी में रखी गई है जैसे कि टाइटल बता रहा है म्यूनिक द म्यूनिक मनी तो म्यूनिक जो है वो एक सिटी का नाम है जहाँ पर वो थी और उसी की सेटिंग रखी गई है ये जो पोइट्री है ये लिखी गई थी उस टाइम पर जब जो फैशन मॉडल्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे और ज, जितना ज़्यादा हो सकता था कि जो जर्मनी के लोग थे जो जर्मन मॉडल्स थे वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे उनकी जो स्पेशलिटी थी वो बढ़ रही थी लोगों ने कॉपी कर रहे थे कुछ तरीके से अब जो मॉडल यहाँ पर जो मॉडल यूज़ किया गया है जो वर्ड यूज़ किया गया है उसी मॉडल को कहीं कहीं पर बोला गया है मैनिकियस जैसे कि टाइटल बता रहा है तो जो मेनिकियन है मैंने आपको अभी भी बताया कि वो Uh, कोई भी ह्यूमन नहीं होता है बल्कि एक स्टैचू टाइप में होता है जो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है लेकिन उसके अंदर ह्यूमन की कोई भी क्वालिटीज नहीं होती हैं अब आगे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि जो प्लाथ ने ये पोइट्री लिखी है ये पोइट्री उन्होंने लिखी थी फैशन मॉडल्स के ऊपर uh, सटायर करने के लिए या फिर उनके ऊपर कमेंट्री पास करी थी लेकिन क्या ये पोइट्री जो है वो सिर्फ़ एक फ़ैशन मॉडल तक ही आ, उनका जो वर्ल्ड है वहीं तक लिमिटेड है या नहीं है तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये वहाँ तक लिमिटेड नहीं है बल्कि हम बोल सकते हैं कि जो फैशन मॉडल मॉडल्स को यूज़ किया गया है वो सिर्फ उनकी लाइफ नहीं है बल्कि उस टाइम की वुमेन की कंडीशन को शो कर रहा है सिर्फ फ़ैशन मॉडल के साथ ऐसा नहीं हो रहा था कि उन्हें परफेक्ट फिगर मेंटेन करनी थी साथ ही साथ अदर जो वुमेन थी जो उस टाइम पे रह रही थी उनके साथ भी ऐसा हो रहा था तो जो थीम है जो पोइट्री का थीम है वो इजीली हम सोच सकते हैं कि जो परसेप्शन है वेमेन का इन जनरल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वो कैसा था कि उन्हें किस तरीके से सोचा जा रहा था एक आइडियलाइजेशन हो रही थी वुमेन की और वो किसने क्रिएट करी थी वो आइडियलाइजेशन किसने क्रिएट करी थी मेल सोसाइटी ने करी थी मेल जो परसेप्शन था उसने करी थी और मीडिया ने करी थी उस टाइम पीरियड पे जब जो लोग थे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड उपसे, हो गए थे कि जो फीमेल की जो फॉर्म है जो बॉडी है जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और कोई भी ऐसी वीमेन जो जो भी उस परफेक्ट फॉर्म से थोड़ा सा भी चेंज करती थी या फिर डिफरेंट दिखती थी उसको एक आइडियल नहीं माना जाता था लेस देन आइडियल होती थी और परहैप्स वो ऐसे लगता था कि लेस देन डिजायरेबल भी है कि उन उन्हें कोई चाहता नहीं है अगर कोई परफेक्ट शेप में नहीं है तो उनके साथ ऐसा हो रहा था जो पोइट्री की स्टार्टिंग है कि जो परफेक्शन है वो टेरिबल है तो इसमें में है, है. अब ये जो परफेक्शन वर्ड यूज किया गया है तो इससे जो प्लाथ है वो रेफर कर रही है परफेक्ट फिगर की जो परफेक्शन है मतलब कि जो वुमेन की परफेक्ट फिगर है उसे बोला गया है और जो सो so कॉल्ड एक आइडियल वुमेन को मेंटेन करनी पड़ती थी उस टाइम पे उस टाइम की पोइट्री है तो उस टाइम की वुमेन की कंडीशन को शो कर रही है अब ये जो परफेक्शन है वो प्लाथ के लिए सिल्विया प्लाथ के लिए टेरिबल है क्यों क्योंकि इन सब चीजों को मेंटेन करना इन सब चीजों को मेंटेन करना या फिर जो परफेक्ट फिगर थी उसे बनाने के लिए जो मॉडल्स थी उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था अपना मदरहुड मदरहुड क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है क्योंकि जो उनका उनकी जो बैली होती है उन्हें वो बिल्कुल फ्लैट रखनी होती है जो पोइट्री है वो उस टाइम पर लिखी गई थी उस टाइम पीरियड में सेट करी गई है जिस टाइम पे जो मदरहुड है वो एक इंटीग्रल पार्ट था वेमेन का एज अ वेमेन मदरहुड जो था उनका जाम था या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी ब्लेसिंग थी तो अपनी मदरहुड को सेक्रीफाइस करना जस्ट इन ऑर्डर टू मेन्टेन फिगर और एक आइडियल फिगर तो ये जो चीज है वो प्लाथ के लिए बिल्कुल ही टेरेबल थी जिसे वो शो कर रही है फर्स्ट लाइन में अब नेक्स्ट लाइन जो कंटिन्यू है वो उसी टोन को कंटिन्यू करती है जो फर्स्ट लाइन में सेट करी गई थी और बोला गया है कि जो परफेक्शन है वो कोल्ड है अब यहाँ पर कोल्ड क्यों बोला गया है क्योंकि जो जैसे की ठंड होती है वो आपको नम कर देती है उसी तरीके से जो परफेक्शन है जो बॉडी की परफेक्शन लोगो लोग उसके लिए ऑप्सेस्ड हो चुके हैं तो वो जो परफेक्शन है वो कोल्ड है क्योंकि वो अनइमोशनल है उसमें कोई भी सिंपैथी नहीं है और वो जो नेचर है नेचर के परफेक्शन के अगेंस्ट में जा रही है अगर हम कोल्ड की बात करें एज अ स्नो तो जो कोल्ड है वो यहां पर जो लाइन दे रखी है कोल्ड एज अ स्नो ब्रीथ ये एक सिमिली यूज कर रखी है प्लाथ ने और आगे बोला गया है टैंप अब जो टैंप है उसे रेफर किया गया है उसका मतलब होता है मेनली किसी चीज को पुश करना नीचे की तरफ बाय अ सीरीज ऑफ लाइट स्ट्रोक्स के धीरे धीरे तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने मतलब प्लाट ने यहाँ पर इस वर्ड का यूज किया है ये दिखाने के लिए कि जो फ्लैट बैलीज हैं इन वुमेन की जो भी ये मॉडल्स हैं इन वुमेन की जो फ्लैट बैलीज है कैसे उनके जो वोम्स हैं उन्हें नीचे की तरफ प्रेशर किया गया है ताकि वो परफेक्ट शेप में रह सके एक परफेक्शन दिखा सके ट्री में आगे बोला गया है कि ये जो ये ट्रीज हैं अब इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ये ट्रीज़ हैं ये सिंबलाइज करती है लाइफ को डेथ को और रीबर्थ को जो कैल्टिक माइथोलॉजी थी उसमें अब यहाँ पर हाइड्रा का भी रेफरेंस आता है कि हाइड्रा को रेफर किया गया है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा हेड होते हैं मैनी हेडेड होता है और माइथोलॉजिकल हम बात करें तो वो एक बीस्ट होता है जिसके जितने भी जो हेड्स हैं वो लॉस्ट होते हैं तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं और वो हाइड्रा है जैसे कि हम साइंस में भी पढ़ते थे तो उसकी जो कोई भी अगर हैड या है फिर पार्ट कटता है तो वो अपने आप ही रिजनरेट हो जाता है तो वहाँ इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है इसका एक सिंबल यूज़ किया गया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को दिखाने के लिए तो इसमें एक ये हो सकता है एक ऑब्वियस लिंक ये हो सकता है कि जो ये ट्रीज़ हैं वो उसकी विंडो से बाहर दिख रहे हैं और जो विंटर है वो जो विंटर के ब्रीज़ है वो उन्हें याद दिला दिला रही है जो बहुत ज़्यादा मैनी हेडेड हाइड्रा होते हैं वो लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं है सेकेंडली हम यूज कर सकते हैं कि इट कुड रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ इन द नेचुरल वर्ल्ड कि ये रीबर्थ को सिम्बलाइज कर सकता है शायद ये जो ट्री है वो रीबर्थ को सिम्बलाइज कर रहा है जो कि नेचुरल वर्ल्ड में होता है और जो थर्ड इंटरप्रिटेशन है इस वर्ड की वो ये हो सकता है कि जो कि माना जाता है कि सबसे ज्यादा कंसिडरिंग है कि ये जो ट्री है ये जो ये ट्री है इसको एज अ रेफरेंस यूज किया गया है जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कि जिस तरीके से जो उसका आ, अरेंजमेंट होता है यूट्रस का फलोपियन ट्यूब्स का ओवेरीज का उस तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया है कि जो जो जितने भी ये सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट हैं वो एक क्रिटिकल रोप रोल प्ले करते हैं इन द ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ और उसी तरीके से जो ये ट्री है या फिर हाइड्रा है वो भी रीजनरेशन दिखा रहा है नेचर को दिखा रहा है अब जो नेक्स्ट कपलेट आता है उसमें एक डायरेक्ट रेफरेंस दे रखा है विमेन की मैंसुरेशन साइकिल के लिए जो प्लाथ है वो रेफर कर रही हैं कि जो ऐसे जो साइकिल होती है ये पर्पजलेस होती है इन वुमेन्स के लिए क्योंकि ये वुमेन क्या कर रही हैं ये इन वुमेन का जो क्वेस्ट है जो लॉन्गिंग है वो परफेक्शन के लिए है और परफेक्शन के चक्कर में जो इनकी एबिलिटी है वो उसे छोड़ देती हैं खो देती हैं जो प्रोक्रिएट करने की इनकी जो है, है है ये उसे छोड़ देती हैं। अब यहाँ पर बात कर रखी दे रखा अनलूजिंग तो रेफर करता है जो जो system होता है रिलीजिंग ऑफ ओवम्स का उसको दिखा रही है कि जो कंसेप्ट था जो मैं साइकिल का जो कंसेप्ट होता है वो ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो एसोसिएट किया गया था ल्यूनियर साइकिल से लेकिन जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो दिखाती है कि दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है अब जो ब्लड फ्लो है ब्लड फ्लो को जो रेफरेंस है वो ब्लीडिंग से किया गया है एक जो पॉइंट है वो कह रही हैं कि जो फ्लो है ये जो ब्लड का फ्लो है ये फ्लो है लव का क्यों क्योंकि ये जो ब्लड है इसमें कहीं ना कहीं जो ऑरिजिन है लाइफ के जो ऑरिजिन है और जो सीड है मदरहुड का वो एग्जिस्ट करता है तो जो ये जो मनिकन्स हैं ये फिर ये जो मॉडल्स हैं इनका जो एक्ट है कि उन्हें प्रोक्रिएट नहीं करना है वो मदरहुड को छोड़ रही हैं तो ये चीज़ जो है वो प्लाथ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है और वो सोचती हैं कि इन ये जो वीमेन अपनी परफेक्ट फिगर को मेनटेन कर रही हैं तो वो अपनी मदरहुड को छोड़ रही हैं और इस जो ये जो सेक्रीफाइस कर रही हैं इस सेक्रीफाइस को छोड़कर वो क्या कर रही हैं एक ऐसी रियलिटी को अपना रही हैं जो कि अनह्यूमन है जिसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है क्योंकि एक स्टैचू में कोई भी फीलिंग्स नहीं हो सकती है हो सकता है कि वो दिखने में बहुत ज़्यादा शार्प फिगर हो ब्यूटीफुल हो लेकिन उसमें जब कोई फीलिंग्स नहीं है तो उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता आगे की लाइन में बोला गया है सल्फर लवलीनेस यहाँ पर बोला गया है अब इसको रेफर किया गया है फेक ब्यूटी से क्यों क्योंकि जो वीमेंस के जो इन्होंने पोजेस कर रखी है जो ब्यूटी पोजेस कर रखी है वो अकॉर्डिंग टू पोइट फेक ब्यूटी है वो बताती हैं या फिर विजुअलाइज़ कर रही हैं इन सब जो सोशल सेटिंग है म्यूनिक की उनसे उन सब में दिखा रही हैं या बता रही हैं और वो बोल रही हैं ये जो जगह है ये मॉर्ग है मॉर्ग है बिटवीन पेरिस एंड रोम और, और क्यों बोला गया है मोर्गे से क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था सफरिंग कर रहे थे लोग सफर कर रहे थे तो उसके बाद जितना भी ब्लड शेड हुआ है या फिर जितनी भी डिस्टर्बेंस हुई थी इसकी वजह से उसे मॉर्ग बोला गया है नेक्स्ट के जो दो लाइंस हैं इसमें जो प्लाथ है वो डायरेक्टली इन वुमेन को टारगेट कर रही हैं और वो बोल रही हैं इन वुमेन्स को कि ये क्या है इन्वर्टेड कॉमर्स में ये बोल रहे हैं नेक्ड एंड बाल्ड इन देयर फर्स अब ये क्यों बोला गया है अब यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है इन्होंने इस बाल्ड और फर को यूज़ करके तो यहाँ पर ये बता रही हैं कि जो वुमेन हैं जितने भी ये मॉडल्स हैं इनमें सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं है ये लैक कर रही हूँ उन क्वालिटीज़ को इमोशंस को और अगर उस इंसान के अंदर ह्यूमन के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो वो जो ह्यूमन है वो ह्यूमन नहीं है वो नेक्ड है और हेयरलेस इसलिए बोला गया है क्योंकि जो उनके एक्सपेंसिव फर हैं वो भी उस चीज़ को सजा नहीं सकते जिन चीज़ों से उन्हें सजाया गया है उन मॉडल्स को सजाया गया है ये सारी चीज़ें मिलकर भी ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर सकते हैं इसीलिए उन्हें हेयरलेस बोला गया है आगे बोला गया है फ्रेज यूज़ कर रखा है ऑरेंज लोलीज ऑन सिल्वर स्टिक अब यहाँ पर ऑरेंज का मतलब हो सकता है कि जो उनके ऑरेंज कलर के विक हैं हेयर हैं उनको बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिचली चीज़ों को यूज़ कर रखा है उन, उनकी बॉडी को सजाने के लिए अडोर करने के लिए अब आगे की लाइंस में जो पोएट हैं जो प्लाथ है वो इन सब को इनटॉलरेबल बोल रही हैं इनटॉलरेबल क्यों बोल रही है क्योंकि इन सब के अंदर जो मेंटल डेप्थ है उन सब की कमी है ये सब सोच नहीं पा रहे हैं और यहां पर बताया कि ये जो नाइट टाइम हो रहा है रात हो चुकी है बाहर देखने पर पता चल रहा है कि स्नो गिर रही है डार्कनेस बढ़ती जा रही है और कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है और प्लाथ के लिए ये स्नो नहीं है ये जो बाहर गिर रही है वो स्नो नहीं है बल्कि कुछ डार्कनेस के पीसेस हैं जो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं जो रोड है वो बहुत ज़्यादा डेजर्टेड हो चुका है विंटर से क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है और विंटर की नाइट है तो इस वजह से जो नाइट है जो रोड है वो डेजर्टेड हो चुके हैं अक्रॉस द सिटी एंड नेबरिंग टाउंस जो जो वहाँ पर सिटी है और जो न्यूवर्स के जो टाउन है वहाँ पर जो होटल्स खुल रखे हैं उस होटल के डिस्क्रिप्शन वो दे रही हैं वो बताती हैं कि जो स्टाफ है होटल का वो जो गेस्ट आए हुए हैं उनके शूज़ को पॉलिश कर रहे हैं क्यों पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि अगले दिन जब वो गेस्ट वहाँ से जाएंगे तो उनके जो शूज़ हैं उन्हें अच्छे मिले चमकते हुए मिले तो वो उनको सफाई कर रहे हैं साफ कर पॉलिश कर रहे हैं अब आने वाली कुछ दो तीन लाइंस में जो प्लॉट है वो पूरे ही चीजों को चेंज कर रहे हैं अब तक बात हो रही थी मनीकियंस की मतलब कि मॉडल्स की बात हो रही है उनकी बॉडी की बात हो रही है उनके परफेक्ट शेप की बात हो रही है अब जो प्लॉट है वो इवोक कर रही है मतलब कि एक नई इमेजरी को दिखा रही है एक डोमेस्टिसिटी को दिखा रही हैं कहाँ से ओकेजनल विंडो से उनकी जो विंडो है वो वहां से डोमेस्टिसिटी को शो कर रही हैं और इमेज दिखा रही हैं जो डोमेस्टिसिटी है उसका कॉन्ट्रास्ट दिखा रही हैं उसकी हार्श रियालिटी को शो कर रही हैं आगे वो कुछ इमेजेस दिखा रही है जो जर्मस हैं उनके स्लीपिंग की इमेजेस ऑफ जर्मन स्लीपिंग अब यहां पर जो स्टोल्स वर्ड यूज किया गया है वो जर्मन में होता है प्राइड जो लाइन है उसमें इन्होंने कुछ वर्ड यूज कर रखे हैं और इन्होंने एक इमेज दिखाई है एक इमेज को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी है और बोला गया है कि कुछ जो लोग हैं वो आ, कुछ जो लोग हैं वो सो रहे हैं स्लीपिंग पीपल जो हैं उनको कंपेयर किया गया है ब्लैक फोन से जैसे कि जो फोन होते हैं वो अपने हुक्स पर होते हैं रखे होते हैं रेस्ट के लिए उस तरीके से जो ये ब्लैक पीपल हैं या फिर जो लोग हैं वो सो रहे हैं और जो ब्लैक कलर है वो यहाँ पर सीरियसनेस को शो कर रहा है जो कि जर्मन से एसोसिएट किया गया है इस लाइन में अब आगे की पोइट्री में बोला जा रहा है कि जो ये ब्लैक फोन्स हैं वो जिस तरीके से रखे हुए हैं उनके जो हुक्स हैं उस पर रखे हुए हैं तो वो ग्लिटर कर रहे हैं ग्लिटर क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइट है वो उनके जस्ट ऊपर चमक रही है और उनकी जो ऊपर की पॉलिश हो रखी है वो शो कर रही है और यहाँ पर जो पोइट है वो रेफर कर रहे हैं कि जो फ़ोन है वो इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे कि दिन भर की जो लोगों ने उनसे बात करी उन फ़ोनों को यूज़ किया है तो जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है उस फ़ोन पर तो वो जो रेस्टिंग फ़ोन है वो उन सभी कन्वर्सेशन को डाइजेस्ट कर रहे हैं और इस मेटाफर को इस इमेज को इन्होंने कंपेयर किया है उन लोगों से जो कि सो रहे थे और वो अपने दिन भर के फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं और जो पोइट्री है वो खत्म होती है एक सिंगल ब्लिक लाइन से और यहाँ पर बोला गया है इट इज़ अ डार्क विंटर नाइट कि बहुत ज़्यादा डार्क विंटर नाइट है ठंड है स्नोई है और पूरी जो सिटी है वो साइलेंट है और कुछ भी नहीं दिख रहा है और क्या है सिर्फ कंपनी के लिए आपके पास क्या है सिर्फ स्नो है बर्फ गिर रही है और कोई भी नहीं है सिर्फ आपको एक स्नो है जो कंपनी दे रही है और जो स्नो है वो भी साइलेंट है वो भी कुछ बोल नहीं रही है और ये जो स्नो uh, है वो जो प्लाथ है उनकी फीलिंग को कहीं ना कहीं वॉइसलेस बना रही है वॉइसलेसनेस की फीलिंग दे रही है और यहाँ पर आकर ये जो पोइट्री है वो ख़त्म हो जाती है तो मेनली इसमें इस क्या दिखा रखा है कि एक पावरफुल कमेंट्री कर रखी है कि हाउ द आइडिया ऑफ परफेक्शन इन अ वीमेन इज फोर्स बाय सोशल फोर्स कि सोशल फोर्स उस चीज को फोर्स कर रही है एक वूमेन के लिए एक तरफ मीडिया कर रही है तो दूसरी तरफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कर रही है उनको उनको शेप बनाने के लिए और ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय